हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और एक्सेल में खास क्या है, क्या सीखने वाले हैं, आइए आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे ये शीट नंबर 1 है, 2 है, 3 है। ये तीन शीटें आपके पास मौजूद हैं और अगर आप नई शीट इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो शीट नंबर 4 आ गई, फिर क्लिक करेंगे तो शीट नंबर 5 आ जाएगी। ऐसे ही आप इंसर्ट करा सकते हैं। बात कर लेते हैं, अगर आपको कंटिन्यू वे में यहाँ पर क्लिक ना करना चाहते हो, कोई शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हो, तो शॉर्टकट की क्या यूज़ करेंगे शीटें इंसर्ट कराने के लिए, तो आपको यहाँ पे शिफ्ट के साथ F11 बटन प्रेस करना है और शिफ्ट F11 प्रेस करते जाइए और नई शीटें इंसर्ट होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी शीटें मैंने इंसर्ट करा दी, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, और ये तेज़ी से इंसर्ट होती जा रही हैं। ये शॉर्टकट की क्या थी, शिफ्ट प्लस F11, इसकी मदद से आप बहुत सारी शीटें इंसर्ट करा सकते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि शीटें कैसे इंसर्ट करानी है शॉर्टकट की मदद से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।